Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your teacher. Today we will start our new book, Picture Book by Brain Root series. The name of our book is Bright Beginnings, a Picture Book Part B. तो चलिए हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं. The chapter number one, Myself. हमारा चैप्टर नंबर वन है माय सेल्फ, मतलब मेरे बारे में. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू पेस्ट योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हेयर. आपको अपनी बड़ी सुंदर सी प्यारी सी एक फोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. माय नेम इज, मेरा नाम है. क्या नाम है आपका, एक्स वाई जेड जो भी आपका नाम है, यू हैव टू राइट हेयर. फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज पायल, तो मैं लिखूंगी माई नेम इज पायल, पी ए वाई ए एल, पायल. आई एम अ बॉय और गर्ल, मैं क्या हूँ, बॉय हूँ या गर्ल हूँ, तो मैं अपने लिए क्या लिखूंगी, आई एम अ गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल. इफ यू आर अ बॉय देन यू विल राइट आई एम अ बॉय. नंबर थ्री, आई स्टडी इन डैश स्कूल. यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पर आप पढ़ते हैं. माई फादर्स नेम इज, मेरे पापा का नाम. आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखना है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपने फादर का नेम लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मिस्टर. हम जब भी अपने से बड़े किसी मेल पर्सन का नाम लिखते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिस्टर. द नेक्स्ट वन, माय फादर इज अ एन, मेरे पापा हैं क्या. If your father is a doctor, you have to write doctor. If your father is a teacher, you have to write teacher. जो भी आपके father का profession है. If your father is a businessman, तो आप यहाँ लिखेंगे my father is a businessman. The next one, my mother's name is. आपको आपकी मामा का नाम लिखना है. तो मामा का नाम लिखने से पहले आप लिखेंगे My mother name is Mrs. जो भी आपकी मम्मा का नाम है. The next one, my mother is a an dash. मेरी मम्मा है. If your mother is a working woman, अगर आपकी मम्मी जॉब करती हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं या किसी ऑफिस में जॉब करती हैं, then you have to write my mother is a service woman. अगर आपकी मम्मा जॉब नहीं करती हैं देन यू हैव टू राइट माय मदर इज अ होम मेकर, एच ओ एम ई, होम मेकर, एम ए के ई आर, होम मेकर. आई हैव डैश ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर, इसमें आपको लिखना है आपके कितने भाई हैं और कितनी बहनें हैं. आई लिव इन, मैं रहता हूँ. आपको यहाँ पर अपनी सिटी का नाम लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं. द लास्ट वन, माय हॉबीज आर डैश एंड डैश. हॉबीज मतलब वो काम जो हम फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझसे मेरी हॉबी पूछी जाए तो मैं लिखूँगी माय हॉबीज आर रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग एंड कुकिंग. मेरी हॉबी है पढ़ना और खाना बनाना. इसी तरह सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती है, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा.